हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डॉट कॉम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है, इस चैनल पे कंटिन्यू क्लासेस यूपी ट्रिपल एस जेई साथ साथ आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी बिहार दरोगा क्लासेस चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस जेई का बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक को डील कर लिया गया। ध्यान से देखिएगा, बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे मास्टर वीडियो को लेकर के। आखिरकार दोस्तों, आपको मास्टर वीडियो आपका साइंस में बायोलॉजी का मास्टर वीडियो ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। दोस्तों, ऑलरेडी 6 मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड हो चुके हैं। ये जो है आपका 7वां मास्टर वीडियो है, यूपी ट्रिपल एस जेई का 7वां मास्टर वीडियो है। और ये वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ही मस्ट है। जितने भी मैं यूपी ट्रिपल एस जेई का स्पेशल मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराया हूँ, एग्जाम से पहले सभी मास्टर वीडियो को आपको देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों, और पूरा फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सभी क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। टोटल इस वीडियो में 150 क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एक तरह का रिविजन क्लासेस के रूप में आप लोग को होने वाला है। और जो नए स्टूडेंट हैं उन लोग बता दो, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं आप, यूपी ट्रिपल एस जेई का सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको प्रोवाइड करा दिया गया। तो सभी वीडियो जो है एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। और क्लासेस का पीडीएफ के लिए स्टडी इंडिया अड्डा डॉट कॉम वेबसाइट पर विजिट करना और यहाँ से क्लासेस का पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास पीडीएफ पे क्लिक करके यहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जो सीरियस तरीका से गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। और वीडियो को सभी लोग लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, हर जगह शेयर करें, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। और सभी लोग साथ साथ में क्वेश्चन को जो है आंसर को कमेंट करते चलिएगा, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को टिल लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ब्लड इंटर द किडनी थ्रू द, रक्त किसके माध्यम से किडनी में, गुर्दे में प्रवेश करती है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ब्लड इंटर द किडनी थ्रू द, रक्त जो है शरीर में किसके माध्यम से, हाँ, रक्त जो है किसके माध्यम से गुर्दे में यानी किडनी में प्रवेश करती है, इंटर करती है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। वैसे दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा रीनाल आर्टरी, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ब्रीक धमनी के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दें कि रक्त जो है ब्रीक धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करती है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि धमनियां वे रक्त वाहिकाएं होती है जो हृदय से रक्त को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाती है, ठीक है। और एक पल्मोनरी धमनी जो होता है दोस्तों, इसके अलावा सभी धमनियां ऑक्सीजन युक्त ले जाती है, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 213 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द लैक्टोज इंटोलरेंस। कहने का मतलब, लैक्टोज इंटोलरेंस क्या है? लैक्टोज इंटोलरेंस दोस्तों कुछ नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति जहां छोटी अतड़ियां कुछ उत्पादों में मौजूद चीनी को जो है ब्रेक नहीं कर पाती, उसी चीज को बोला जाता है, ठीक है। लैक्टोज इंटोलरेंस का मतलब हो गया, इट इज ए कंडीशन इन विच द स्मॉल इंटेस्टाइन आर अनेबल टू ब्रेक डाउन द शुगर फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट। ऐसी स्थिति जहां छोटी अतड़ियां दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती है, ठीक है, उसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए 214 नंबर क्वेश्चन पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बॉडी लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? निम्नलिखित में से वह कौन सा आंतरिक विकल्प शरीर का सबसे बड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? वो है आपका कुछ नहीं है, जिगर यानी लीवर है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यकृत यानी जिगर दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह शरीर के दाईं ओर पसलियों के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which among the following is composed of nerve fiber that mediate reflex action and that transmit impulse to and from the brain? निम्नलिखित में से कौन सा तांत्रिक फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों के आदान प्रदान भी करता है, वो क्या है? वो है आपका स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड की बात हो रहा है, ये मेरुदंड का काम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये 216 नंबर क्वेश्चन, 216 नंबर क्वेश्चन, हियर इज आवर बॉडी डज 90% ऑफ आवर टोटल न्यूट्रिएंट एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। कहने का मतलब, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिज का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप में
सोख लिया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के छोटी आंत यानी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कंफ्यूज ना होइएगा, आपको पता होना चाहिए कि छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का हिस्सा है दोस्तों, और यहां पाचन की सबसे सक्रिय प्रक्रिया होती है जो कि छोटी आंत से अग्नाशय और पित्त तथा मूत्राशय में जो है एंजाइम को क्रिएट किया जाता है, सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द डिफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन चिल्ड्रन काउज रिकेट्स, कहने का मतलब निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग जो कि रिकेट्स होता है दोस्तों उसका विकार पैदा होता है, वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है वो आपसे पूछा जा रहा है, उस विटामिन का नाम आपको बताना है, फटाफट कमेंट कीजिएगा सभी लोग, क्योंकि दोस्तों आप लोग ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, और जो स्टूडेंट पिछले वाले वीडियो नहीं देखे फटाफट देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, विटामिन डी। ठीक है, सूखा रोग रिकेट्स जो है दोस्तों हड्डियों का रोग होता है जो प्रायः बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 218 यानी 218 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर इन विच ऑफ द मेजर सिम्पटम आर डार्क रेड पैचेज दैट अकर ऑन द फेस नेक हैंड एंड क्लेव एंड फिट, कहने का मतलब निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह गले पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजे में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं, उस विटामिन उसको उसके बारे में बताना है दोस्तों कौन है, वो है आपका प्लेग्रा। ठीक है, प्लेग्रा होता है दोस्तों, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्लेग्रा में उस विटामिन की निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह गले पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल धब्बे लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं, वो प्लेग्रा रोग में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके का खोज किया था, सब लोग कमेंट कीजिएगा, चेचक के टीके किसके द्वारा खोज किया गया था दोस्तों। आई थिंक इस क्वेश्चन का सभी आंसर पता होगा क्योंकि इस चैनल में बहुत बार करवाया जा चुका है, जो रेगुलर व्यूअर होंगे फटाफट कमेंट कीजिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन करवाया गया है, सब ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो सब लोग कमेंट कीजिएगा। वैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एडवर्ड जेनर, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वेरिसेला जोस्टर नामक के जो है वायरस से होने वाला चेचक को आम भाषा में छोटी माता या चिकन पॉक्स भी बोला जाता है, इस दौरान दोस्तों व्यक्ति के शरीर पे काले धब्बे पड़ जाते हैं जिसमें जलन और दर्द भी होता है। ठीक है, और ये जो है इसका खोज जो किया गया है एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉस्किटो बोर्न डिजीज, निम्नलिखित में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है, मच्छर जनित यानी मॉस्किटो बोर्न डिजीज नहीं है, वो आपको सिलेक्ट करना है, बताना है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। वो आपका है रिंगवॉर्म, दाद खाज खुजली जो है दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ये कोई मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है, ये रिंगवॉर्म है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए 221 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू मिनट पोर्स और ऑस्टोमोटा फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, पौधों की पत्तियों में के बहुत छोटे छिद्रों तथा ऑस्टोमेटा के जरिए पानी के शुद्धिकरण को क्या बोला जाता है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। चलो कमेंट कीजिएगा। वैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पौधे की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों तथा एस्टोमेटा के जरिए पानी के बाष्पीकरण को ट्रांसपिरेशन बोला जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए 222 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ सर्विस NHS UK एंड US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर व्हाट शुड बी द कैलोरी इनटेक ऑफ एन अडल्ट एक्टिव मैन, नेशनल हेल्थ सर्विस UANS UK और US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 2500 कैलोरी होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डिफिशियंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फूड इंड्यूस ए डिसऑर्डर नोन एज क्वाशिक्योर,
सब लोग कमेंट कीजिएगा, किसकी कमी से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है। ये किसकी कमी से होता है ये आपको बताना है। ये आपका प्रोटीन की कमी से होता है। किसका? प्रोटीन का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। प्रोटीन की कमी से शिशुओं में शरीर एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है तथा शिशुओं में सूखा रोग यानी मेरामस, ध्यान रहे मेरामस एवं क्वाशियोरकर रोग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ये प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए, ठीक है, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है वो आपको बताना है। ये आपका होता है केमिकल एनर्जी, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो ये रासायनिक ऊर्जा में। द फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट आइए 26 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑर्गन। 226 नंबर क्वेश्चन पे आइडेंटिफाई द ऑर्गन पर इन ह्यूमन दैट इज नॉट रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। मनुष्यों के उस अंग भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया में संबंधित नहीं है। श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है वो है आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है, केशिकास्तव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द हार्मोन फ्रॉम द विलो ऑप्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन। निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन का पहचान करें जो बच्चों में बढ़ने में सहायक होता है। उस हार्मोन का नाम है सोमेट्रोपिन, ठीक है, सोमेट्रोटोपिन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट बिलोंग द मैमल्स ग्रुप। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह नहीं है वो आपका है दोस्तों ब्लू व्हेल जो होता है मछली, जो व्हेल है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कंगारू, हिपोपोटामस, व्हेल स्तनपायी प्राणी समूह के संबंधित है दोस्तों। हाँ यहाँ पे नहीं, वेल नहीं होगा, सॉरी ध्यान से देखिएगा, वेल नहीं होगा क्योंकि दोस्तों ये सभी जो है स्तनपायी यानी मैमल्स ग्रुप में आते हैं। वेल भी मैमल्स ग्रुप में आते हैं। आपका आंसर होना चाहिए अस्कोलोडियन, अस्कोलियोडोन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अस्कोलियोडोन दोस्तों ये इसके अंतर्गत नहीं आता। ये जो है अस्कोलियोडोन एक मत्स्य वर्ग का प्राणी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ फूड शुड प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी इन ए बैलेंस्ड डाइट। निम्नलिखित संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो होती है कार्बोहाइड्रेट के से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लड कोगुलेशन इम्पेयरमेंट इज काउज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है। ब्लड कोगुलेशन की बात हो रहा है दोस्तों तो ब्लड कोगुलेशन जो होता है फिलोक्विनोन के द्वारा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ब्लड रक्त स्कंदन विकार फिलोक्विनोन कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग हैज कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट इन इट। मनुष्यों के किस अंग में परिहद कोरोनरी धमनी विद्यमान होता है वो आपको बताना है। सो लोग कमेंट कीजिएगा, मनुष्यों के किस अंग में कोरोनरी धमनी विद्यमान होता है, प्रेजेंट होता है, वो है आपका हार्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हृदय के पूरे शरीर में रक्त का जो है पंप होता है दोस्तों। हार्ट के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है इस चैनल पे, ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता से शरीर के सभी कार्य करने के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ पे पंपिंग ये सब का काम होता है, कोरोनरी आर्टरी ये सब जो धमनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 232 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से सेक्रेट नहीं होता, स्रावित नहीं करता है, वो है आपका सेक्रेटिन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सेक्रेटिन आती है हार्मोन है दोस्तों जो ड्यूडेनम से, ड्यूडेनम के एस सेल से सिक्रेट होता है, जबकि पोलेक्टिन, ऑक्सीटॉक्सिन ये सब जो है पीयूष ग्रंथि से सिक्रेट होने वाला हार्मोन है। सभी क्या है? हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फेमस सीप डॉली वाज द आउटकम ऑफ द टेक्निक कॉल्ड।
प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है? डॉली भेड़ की बात हो रहा है दोस्तों, तो ये आया है आपका क्लोनिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्लोनिंग के माध्यम से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विच वैक्सीन इज गिवेन टू ए चाइल्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस? क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? वो टीका है बीसीजी। ठीक है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन का प्रयोग टीबी यानी क्षय रोग के खिलाफ प्रतिरक्षण हेतु किया जाता है, और बच्चों को डीपीटी का टीका डिप्थीरिया काली खांसी टिटनेस रोगों के प्रतिरक्षण के लिए बचाव के लिए दिया जाता है, जो अक्सर एग्जाम में से पूछे जाते हैं। विच फेनोमेनन इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है? वो है आपका डिफ्यूजर, जो मिश्रण प्रक्रिया होती है दोस्तों, डिफ्यूजन उसी की बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन द सेल? निम्नलिखित जीवों में से किस में कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? वो है आपका बैक्टीरिया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। प्रोकैरियोटिक से सुव्यवस्थित केंद्रक नहीं होते हैं दोस्तों, जबकि यूकैरियोटिक से सुव्यवस्थित केंद्रक होते हैं। ठीक है, और एंटी अमीबा हाइड्रा जो है ये सभी यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है, इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द डिजीज स्कर्वी अकर बिकॉज लैक ऑफ फॉलोइंग विटामिन इन ह्यूमन बॉडी? किस विटामिन की कमी से वजह से जो है अस्कर्वी रोग होता है? आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, ये होता है आपका विटामिन सी की कमी के कारण। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, विटामिन से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको दिखने को मिलते हैं और कंफ्यूज करते हैं। जैसे विटामिन ए जो है दोस्तों, उसका रासायनिक नाम क्या है आपको पता होना चाहिए, रेटिनॉल है। ठीक है, और इसका कमी से रतौंधी और जीरोथैल्मिया रोग होता है। रतौंधी तो अक्सर एग्जाम में दिखने को मिलता है, लेकिन जीरोथैल्मिया भी आप याद कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वहां पे याद कीजिएगा, जीरोथैल्मिया या रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है, और मैं बता रहा हूं इसका स्रोत जो होता है दोस्तों, पिल्ली हरी, यहाँ पे सब्जी फल ये सब में जो है इसका स्रोत होता है विटामिन ए का। विटामिन बी वन की बात करते हैं, इसका जो है रासायनिक नाम थायमीन होता है, और ये जो है दोस्तों विटामिन बी वन जो थायमीन होता है, ये अनाज के छिलके अंडा मांस ये सबसे जो है इसका स्रोत है, एंड इसकी कमी से होने वाला जो है बेरीबेरी रोग होता है। विटामिन बी वन की कमी से बेरीबेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड है। ठीक है, इसका स्रोत संतरा मौसमी टमाटर नींबू ये सब होते हैं। और विटामिन डी की बात करते हैं, इसका जो है रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है, और इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। ठीक है, और इसको जो है एस्टियो मलेशिया के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी एग्जाम में दिख सकता है। और इसका स्रोत जो है सूर्य की परावैगनी किरणों तथा त्वचा से जो है में स्वतः बनता है। ऑप्शन के अनुसार अगर इसकी बात करते हैं स्कर्वी क्या, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, विटामिन सी। आई थिंक बहुत से डॉट और नए नए क्वेश्चन को भी आप कलेक्ट कर पाए होंगे। द एज ऑफ ए ट्री कैन बी एक्सीलरेटेड बाय, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सब लोग मन कीजिएगा। पेड़ की उम्र का पता लगाया जाता है दोस्तों, वाई इट्स नेचुरल रिंग प्रेजेंट, वर्तमान में अपनी वार्षिक छलों से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड इज, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता उस तत्व को क्या बोला जाता है? उस तत्व को क्रोमियम बोला जाता है। क्या? क्रोमियम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू मिल्क, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्राय दुग्ध द्वारा फैलती है? दुग्ध यानी दूध के द्वारा जो है फैलती है दोस्तों, वो कौन सी बीमारी है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्राय दूध द्वारा फैलती है? उस बीमारी का नाम है क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस दोस्तों प्राय दूध द्वारा फैलने वाला रोग है। क्षय रोग दुधारू जानवरों से
मनुष्य में संचरित होता है और गाय के आयन के क्षय होने के संक्रमण के साथ साथ जीवाणु दूध में आ भी सकते हैं। इसलिए जो मनुष्यों में दूध के माध्यम से संचरित होते हैं, पशुओं में इसकी जांच के लिए ट्यूबरक्यूलिन परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंज आर रिच सोर्स ऑफ, नारंगी प्रचुर स्रोत है किसका? नारंगी प्रचुर स्रोत विटामिन का है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नारंगी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है। यह विटामिन सामान्यतः सभी प्रकार में के खट्टे फल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द क्रस्टेशियस स्मॉल ऑफ ओनियन वल्व इज ड्यू टू, प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? प्याज कंद की विशेष महक जो होती है सल्फर कंपाउंड यानी सल्फर यौगिक के कारण होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोयाबीन इज रिच इन, सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों? वो पाया जाता है प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम जो होता है ग्लाइसिन मैक्स होता है, जो कि याद कर लीजिएगा, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फ्लाई, इनमें से कौन उड़ सकता है? सोलो कमेंट कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फ्लाई, इनमें से कौन उड़ भी सकता है वो आपको बताना है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। उड़ भी सकता है उसका बात हो रहा है दोस्तों 245 यानी 245 नंबर क्वेश्चन पे, ये वो है हॉर्नबिल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वैसे ऑप्शन के अनुसार बहुत लोग कंफ्यूज इस क्वेश्चन को लेकर के हो जाते हैं, ठीक है। हॉर्नबिल एक क्षेत्रीय भाषा है दोस्तों, जो कि इसे घनेश भी बोला जाता है। घनेश की चोच लंबी और नीचे की ओर घूमी हुई होती है, ये उड़ भी सकता है हॉर्नबिल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द विटामिन दैट इज फाउंड इन साइट्रस फूड सच एज लेमन एंड ऑरेंज इज, विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है उस विटामिन का नाम क्या है? उस विटामिन का नाम है आपका विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी टू, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। कंफ्यूज ना होइएगा, विटामिन बी टू राइबोफ्लोविन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना परसेंट होता है? मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना परसेंट होता है? वो होता है 7 यानी 7%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, असंगत मैच को पहचान करना है। प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग बैक्टीरिया एंटोनियो लिवेनहॉक, ठीक है। ऑक्सीजन लेवोजिया, ठीक है। हाइड्रोजन पास कर ले, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का खोज पास्कल के द्वारा नहीं किया गया, ये हेनरिक केवेंडिश के द्वारा किया गया है, ठीक है। और ये आवर्त सारणी का पहला तत्व भी है, जो कि सबसे हल्का भी है, ठीक है। और ये जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोजन का पास्कल नहीं, ये है हेनरिक केवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटने वाला है? आपका पनामा दीमक। क्या है? पनामा का दीमक। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। पनामा का दीमक जो है संसार के सबसे अधिक तीव्रता से काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त लाल दिखाई देने का क्या कारण? बहुत ही इजी एंड अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर एग्जामों में दिखने को मिलता है। रक्त जो है, ब्लड जो है, रेड दिखाई देने का मेन रीजन क्या है, क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त जो है लाल हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन नीले पीले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और जब वे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सभी को पता होना चाहिए, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कर्बिक एसिड है। एस्कर्बिक एसिड ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मशरूम किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है? मशरूम जो है फंजाई यानी कवक का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, मशरूम जो है फंजाई यानी कवक का एग्जाम्पल है और मशरूम का उपयोग खाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के जांच के लिए किया जाता है? ईसीजी का प्रयोग जो है दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इसका जो है ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोला जाता है दोस्तों, और ईकेजी एक होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इसका प्रयोग हृदय गति के जांच के लिए किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? दूषित जल के सेवन से होने वाला रोग है हैजा। क्या? हैजा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है वो आपसे पूछा जा रही है। होता है नाइट्रेट। क्या? नाइट्रेट के से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो है बच्चे तक प्रभावित करती है दोस्तों, जबकि जो जो जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 90 ppm से अधिक होती है तो ये जो है इससे बच्चे के ओठ एवं शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है, जो कि ब्लू बेबी सिंड्रोम इसको बोला जाता है नाइट्रेट के अधिकतम होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जू का एक उदाहरण कार्य है? मेरु रज्जू का एक उदाहरण कार्य है वो है आपका प्रतिवर्ती क्रियाओं का कंट्रोल, नियंत्रण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दालें किसका अच्छा स्रोत है? दाल जो है किसका अच्छा स्रोत है वो आपसे पूछा जा रहा है। दाल जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, क्योंकि दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है दोस्तों, इसमें पोलीन और बेलीन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। कौन सा? फ्रक्टोज, याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है और लैक्टोज जो है प्राकृतिक शर्करा है और यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। और आपको बता दें कि गेहूं की रोटी में ग्लूटीन प्रोटीन होता है, ग्लूटीन प्रोटीन जो पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द का जनक कौन है? विटामिन शब्द का जनक कासिमीर फंक है। कौन? कासिमीर फंक। जनरली फंक ही ऑप्शन में दिया जाता है, लेकिन फुल नेम कासिमीर फंक है। विटामिन शब्द का जनक कासिमीर फंक को माना जाता है और विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के वृद्धि एवं अन्य उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। और दो प्रकार की होती है दोस्तों, यह दो प्रकार का होता है। प्रथम जल में घुलनशील जो होता है, जो अक्सर पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा, बी और सी विटामिन जो होता है वो वाटर यानी जल में घुलनशील होने वाला विटामिन है। और दूसरा होता है वसा में घुलनशील, जो कि विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइटोटिस सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? वो होते हैं एनाफेज के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहां स्थापित किया गया है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करने में कमी नहीं कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए लगातार मेहनत किया जा रहा है दोस्तों। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहां स्थापित किया गया है? लखनऊ में। कहां? लखनऊ, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? विज्ञान का वो कौन सी शाखा है जो ट्यूमर के बारे में बताता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। वो है दोस्तों ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ऑन्कोलॉजी ट्यूमर या कैंसर के उपचार के लिए दोस्तों ये जो है विज्ञान की वह शाखा है। यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ऑस्टियोलॉजी हार्ट जो है हड्डियों का अध्ययन के लिए होता है दोस्तों। और यूरोलॉजी जो है आपको इसमें पेशाब संबंधित बीमारियों का अध्ययन के लिए जो है उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। और आपको ट्यूमर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन है कि पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। वो रहता है आपको
प्रेनकाइमा, उसको क्या बोला जाता है, प्रेनकाइमा। ठीक है, पौधे की एक पत्ती में प्रेनकाइमा प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। पिछले क्लासेस में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया गया था विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, सभी विटामिन के बारे में बताया गया था दोस्तों, ये है अस्कर्बिक एसिड, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार किरापेडिस्ट किससे संबंधित है। किरापेडिस्ट जो संबंधित है दोस्तों पांव से संबंधित है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, घास जैसे सभी प्रकार की पौधा है जिसमें माड़ीदार खाद बीज होती है क्या कहलाती है, उसे बोला जाता है आपका अनाज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 267 नंबर क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है। सोलो कौन कीजिएगा, एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है आपका श्वसन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, श्वसन एक प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें एक जीव में ऊर्जा को जो है उत्पन्न करती है, प्रोड्यूस करती है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 269 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, उसका मेन सोर्स नहीं है। सब लोग कमेंट कीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स नहीं है वो कौन है, सबके द्वारा कमेंट आना चाहिए। वो आपका दोस्तों मुर्गा यानी चिकन जो है कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं पाया जाता दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कंफ्यूज ना होइएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मलेरिया की दवा जो कि कुनैन जो है दोस्तों किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। सब लोग कीजिएगा, मलेरिया की एक दवा है कुनैन, जो कौन से वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, कौन से पेड़ से प्राप्त किया जाता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। सब लोग कमेंट कीजिएगा, अक्सर एग्जामों में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। ये दोस्तों सिनकोना, याद रहे सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है, जो कि एग्जाम में देखने को मिलता है। मलेरिया की दवा कुनैन जो है एक दक्षिण अमेरिकी, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी अमेरिकी पेड़ जो है सिनकोना की छाल से तैयार किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज इस वजह से हो जाते हैं कि यहां पे ध्यान रहने वाली बात यह है कि यहां पे रूट भी होता है और छाल भी होता है, लेकिन कंफ्यूज होने वाली बात यह है कि बहुत लोग रूट भी लगा देते हैं सिनकोना के रूट से, लेकिन वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सिनकोना की जो है जो होता है उसकी छाल से तैयार किया जाता है, याद कर लीजिएगा, छाल से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 271 नंबर क्वेश्चन पे आइए, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। हैजा रोग से शरीर का वो कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है, वो आपका है आंत, आंत यानी अतड़ी। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हैजा रोग से शरीर का आंत जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा तना है, निम्न में से कौन सा तना है। सब लोग कमेंट कीजिएगा, तना है वो है अदरक, अदरक एक तरह का तना के रूप में काउंट किया जाता है दोस्तों। तना वह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, यह प्रांकुर से विकसित होता है और यह पौधे का परोह तंत्र होता है। जैसे मैं एग्जांपल में बता दूं, आलू, बंदा, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक, ये सभी जो है तना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जब यूपी ट्रिपल एससी जेई का 2015 को जो एग्जाम हुआ था, उसका जो आंसर की में आंसर जो दिया गया था, डी दिया यानी शकरकंद दिया गया था, जो कि वो बिल्कुल गलत था। ठीक है, बाद में इसको करेक्टनेस करके जो है अदरक लगाया गया था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फारेनहाइट होता है। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। अस्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आपका आंवला, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सी है, मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सी है। सब लोग कमेंट कीजिएगा, मलेरिया से प्रभावित अंग जो है तीली एवं लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोवा से होता है। मच्छर द्वारा काटे जाने पर मच्छर की लार के साथ स्पेरोजाइट के रूप में प्लाज्मोडियम शरीर में प्रवेश करता है, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंसुलिन के अतिश्रवण से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन के अतिश्रवण से कौन सा रोग होता है? वो होता है हाइपोग्लाइसीमिसिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इंसुलिन के अतिश्रवण से हाइपोग्लाइसीमिसिया होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुकोष उपस्थित होते हैं। वायुकोष उपस्थित किसमें होते हैं? जलोद्भिद में होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जलोद्भिद पौधे में वायुकोष उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव पलीहा को क्या नियंत्रित करता है? रक्त आयतन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ह्यूमन स्प्लीन की बात हो रहा है दोस्तों, और मानव पलीहा यानी ह्यूमन स्प्लीन पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित लसिका प्रणाली का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है दोस्तों, जिसमें रक्त का शुद्धिकरण एवं भंडारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि माता पिता में रक्त समूह ए क्रॉस ए हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? माता पिता में रक्त समूह ए क्रॉस ए हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? बच्चों में ए या फिर ओ हो सकता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? पिछले क्लासेस में बहुत बार बताया हूं दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन बी है। बी और सी जल में है, बाकी ए डी ई के विटामिन वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफिल जलाए जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? क्लोरोफिल को जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? वो तत्व है मैग्नीशियम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीकम पाचन में काम आता है। सीकम किसके पाचन में काम आता है? सोलो कमेंट कीजिएगा। सीकम जो है सेलुलोज के पाचन में काम आता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सीकम छोटी आंख का भाग है दोस्तों, जिसमें सेलुलोज के पाचन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यह मनुष्य में काफी छोटा होता है, जो अवशोषी अंगों के रूप में पाया जाता है, जबकि शाकाहारी जानवरों में पूर्ण विकसित तथा उपयोगी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक अनिषेचित मानव अंडे में समानता क्या होता है? एक अनिषेचित मानव अंडे में समानता क्या होता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। वो होता है एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है? वो है आपका लोहित कोशिका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस बीमारी के द्वारा होता है? हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस बीमारी के कारण होता है? वो है एड्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उत्सर्जी प्रतिरक्षा न्यूनतम सिंड्रोम, जैसे यहाँ पे दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। इसमें रोगी की T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं नष्ट या छीन हो जाती है, जिसमें यह रोग द्वारा ग्रसित होने वाले रोगी शरीर के प्रतिरोधक क्षमता खो देता है, जिससे किसी भी रोग के विषाणु या जीवाणु आसानी से रोग पैदा कर देते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा का सिक्का क्वाइन ऑफ एनर्जी क्या कहलाता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऊर्जा का सिक्का क्वाइन ऑफ एनर्जी कौन है? क्वाइन ऑफ एनर्जी एटीपी को बोला जाता है दोस्तों, कंफ्यूज ना होइएगा, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल क्या होता है? मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल क्या होता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल क्या होता है? वो होता है 120 दिन होता है। क्या 120 दिन? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
मनुष्य में लाल रुधिर अणु का जो होता है दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है, ठीक है। और वही व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी का जो होता है 2 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 288 नंबर क्वेश्चन, केचुआ का उत्सर्जी अंग क्या है? केचुआ का उत्सर्जी अंग क्या है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। केचुआ का उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया है, ठीक है, नेफ्रिडिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। केचुआ का वैज्ञानिक नाम पेरिटिमा पोस्थुमा है दोस्तों, ठीक है, इसका उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है? मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है? तो वो है 12 जोड़ी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग की बात हो रहा है तो आपका आंसर होना चाहिए कुष्ठ रोग, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि कौन सा है? मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है आपका क्यूनॉन, कौन सा? क्यूनाइन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दें कि वर्ष 1880 में फ्रांसीसी डॉक्टर ए लेवनॉन ने मलेरिया परजीवी की खोज किया था तथा सर रोनाल्ड ने इस रोग के परजीवी का संबंध मादा एनोफिलीज मच्छर से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो क्या कहलाती है? वो आपका कहलाती है प्राश्रण। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को भिवे लगा के याद कर लीजिएगा, बहुत बार देखने को मिला है। निम्नलिखित में से वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को भी पकड़ लेता है? उस पौधा का नाम है आपको बताना होगा यूट्रिकुलेरिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कुछ पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है जिसके लिए वे कीटों को भक्षण करते हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया, और भी है डोनिया, ड्रोसेरा, नेपथिंस, ये सब दोस्तों वैसे पौधा है जो भोजन के लिए कीटों को भी पकड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। वो पाचन थैली है लाइसोसोम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं, यदि वे फल भक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र में से न गुजरे तो इसका क्या कारण होगा? इसका कारण होगा बीज आवरण अप्रगम्यता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का वह भाग जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? सब लोग कमेंट कीजिएगा। उसको प्रोमोटर बोला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, पैरासीटामोल क्या है? सभी को पता होना चाहिए और सभी लोग कमेंट कीजिए, पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल दोस्तों प्रति तापक एवं दर्दनाशक दवा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इसका तापमान कम कर सकती है वो क्या होती है? तापमान कम कर सकती है उसको बाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ट्रांसपायरेशन बोला जाता है, ठीक है। ट्रांसपोरेशन क्रिया के दौरान पौधे तापमान वृद्धि पर नियंत्रण करते हैं और पौधे के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में जो है वाष्पीकृत की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक ये जो माना जाता है दोस्तों, ये आपका 1960 का कहानी है जो कि आपको एम एस स्वामी नाथन को जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। भारत में 1960 के दशक में इसका ड्यूरेशन था 66 से 67 के लमसम दोस्तों, मध्य एशिया कृषि में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। परिणाम स्वरूप हुआ क्या था कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता में तीव्रता आई और खाद्यान्न जो है वहां पे
आपको बता दे कि एक उस वक्त दोस्तों आपको यहाँ पे अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे, ठीक है। तो लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामी नाथन को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? मलेरिया परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम, बहुत बार बताया गया है, ठीक है। प्लाज्मोडियम ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 301 नंबर क्वेश्चन, मूत्र का असामान्य घटक क्या है? मूत्र का असामान्य घटक एल्ब्यूमिन है। क्या है? एल्ब्यूमिन। कंफ्यूज ना होइएगा, मूत्र का असामान्य घटक एल्ब्यूमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब चक्र का दूसरा नाम क्या है? क्रेब चक्र का दूसरा नाम सिट्रिक एसिड चक्र है। कौन सा? सिट्रिक एसिड चक्र। क्रेब चक्र का दूसरा नाम सिट्रिक एसिड चक्र है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है? मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है? वो होती है 31 जोड़ी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। रुधिर का पीएच होता है, रुधिर का पीएच क्या होता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। रुधिर का पीएच आपका होता है 7.3 से 7.5 होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पीएच कहने का मतलब दोस्तों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है 7.3 से 7.5 होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा, निमोनिया रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? वो है फेफड़ा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। निमोनिया रोग शरीर के फेफड़े यानी लंग को प्रभावित करता है। यह जो है श्वसन संबंधी एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितना परसेंट, कितना मात्रा होती है? मानव का जो ब्लड होता है दोस्तों उसमें प्लाज्मा का अगर देखा जाए तो लगभग 55 से 60% प्लाज्मा होता है ब्लड में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वीडियो को टी लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए और भी बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकूं। 308 नंबर क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही कन्वर्जन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्यों में यूरिया किससे बनता है? मनुष्य में यूरिया जो बनता है यकृत में बनता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य में यूरिया जो है यकृत यानी लीवर में बनता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा, वो होता है एटीपी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? वो कौन सा अंग है जो वसा को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है? वो है यकृत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यकृत जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। और आपको पता होना चाहिए कि यकृत कोशिकाएं नीले हरे रंग के पीत रस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो होता है पलीहा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्प्लीन की बात हो रहा है, मलेरिया रोग से शरीर का पलीहा यानी स्प्लीन अंग प्रभावित होता है। मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोवा की जातीय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिकांश कीट किस प्रकार का श्वास लेते हैं? अधिकांश कीट जो है किस प्रकार का श्वास लेते हैं? वो है ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में क्या है? हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वो वास्तव में क्या है? हेपेटाइटिस बी एक वायरस है, ठीक है, वायरस जनित रोग है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सब लोग मन कीजिएगा, पीयूष ग्रंथि जो होती है दोस्तों मस्तिष्क के नीचे होता है। बहुत से कंफ्यूज होकर के स्टूडेंट लगा देते हैं मस्तिष्क के अंदर, ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज ना होना है, मस्तिष्क के नीचे होती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है दोस्तों।
और यह जो है स्पाइनल कॉर्ड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होता है, और इसका इसी को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बाहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, उस ग्रंथि उस ग्लैंड को क्या बोला जाता है? एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बाहिःस्रावी दोनों कार्य होता है, उस ग्रंथि को आपको अग्नाशय बोला जाता है। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, अग्नाशय इज द राइट आंसर। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है दोस्तों। यह बाहिःस्रावी तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कौन सा जीवित पक्षी जो है विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? वो है बी हमिंग बर्ड। ठीक है, हमिंग बर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी हमिंग बर्ड इंद्रधनुष के समान रंगीन पंखों वाले पक्षी है दोस्तों, जो ट्रोथिली डाय परिवार का हिस्सा है। इस हमिंग बर्ड को विश्व का सबसे छोटा पक्षी तथा दुनिया का सबसे छोटा अंडा देने वाली पक्षी के रूप में जाना जाता है। और यह दोस्तों ज्यादातर चिल्ली के जो है वन में ज्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीसीजी के टीका की बात हो रहा है। तो यह है आपका ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन करवाया गया। ठीक है, बीसीजी यानी बैसिलस क्लैमेट ग्यूरिन का जो है इसका कोई फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, बैसिलस क्लैमेट ग्यूरिन। और यह दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध जो है रोग प्रतिरोधक के लिए काम करता है। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग मन कीजिएगा। विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत कौन सा है? सबको द्वारा कमेंट आना चाहिए। विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत की बात हो रहा है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर होगा आंवला। ऑप्शन के अनुसार आंवला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। स्त्रीलिंग हार्मोन की बात हो रहा है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में पाया जाने वाला प्राथमिक हार्मोन है, जो मानव के जनन अंगों के विकास और उसकी सेक्स प्रवृत्ति को भी जो कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? वो कौन सा भोजन है जो तुरंत शक्ति को प्रदान करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो है ग्लूकोज। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, C6H12 होता है, H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। ग्लूकोज सबसे तरल हाइड्रोकार्बन है दोस्तों, जिसके कारण यह परंतु शक्ति प्रदान करता है। ग्लूकोज दोस्तों स्वाद मीठा ही होता है, सभी को पता ही होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? एस्टेपीज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी एस्टेपीज है दोस्तों, जो कि कान के मध्य में पाई जाती है। ये भी पूछा जाता है कहां पाया जाता है, तो कान में ये एस्टेपीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस तत्व की कमी में घेंघा रोग होता है? किस तत्व की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है? वो तत्व है आपका आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। कौन से रासायनिक ऊर्जा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत करवाया गया है प्रीवियस क्लासेस में। जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे उन लोगों को सभी को पता होगा। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करते हैं, विटामिन बी एंड सी। ठीक है, बी सी विटामिन जो है दोस्तों वो बसा में घुलनशील होता है, बाकी जो है आपका ए डी ई के वो सब जो है आपका विटामिन वाटर यानी जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रक्त समूह ओ क्या कहलाता है, सभी को पता होना चाहिए, रक्त समूह ओ जो ब्लड ग्रुप है वो क्या कहलाता है, वो सार्वजनिक दाता कहलाता है, ठीक है, दाता यानी डोनर इसको बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा आपका, रक्त समूह ओ जो है सार्वजनिक दाता तथा रक्त समूह ए बी जो है सार्वजनिक ग्राहक बोला जाता है, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। और रक्त समूह की खोज जो है 1900 में किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, ठीक है, वो भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया है, पेंसिलिन की खोज आपको किया गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नोट कीजिएगा, पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक समूह की एक दवा है दोस्तों, जिसकी उत्पत्ति पेंसिलियम नामक फंगी से हुई थी, और पेंसिलिन की खोज 1828 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 328 नंबर क्वेश्चन, टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है, टाइलिन एंजाइम का संबंध आपका लार से है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। टाइलिन लार सदैव लार ग्रंथियों से सिक्रेट होती है दोस्तों, जिसमें 98% जल तथा शेष 2% जो है अन्य पदार्थ होता है, तथा टाइलिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, आपको विटामिन सी स्कर्विक, विटामिन बी वन थायमिन, विटामिन डी रेटिनॉल नहीं है दोस्तों। विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है, जिसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है, रेटिनॉल नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है, बीसीजी वैक्सीन जो प्रयुक्त होता है क्षय रोग के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, मैं ऑलरेडी अभी इसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, बहुत बार बताया गया है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, कंफ्यूज ना होगा, बहुत लोग इसको एंजाइम भी लगा देते हैं, हार्मोन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इंसुलिन अग्नाशय के अंतःभाग लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं का इससे सिक्रेट होने वाले हार्मोन है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मानव शरीर का ब्लड बैंक क्या कहलाता है, मानव शरीर का ब्लड बैंक जो कहलाता है प्लीहा को बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। प्लीहा इसी को तिल्ली भी बोला जाता है दोस्तों, जो कि इसी को ब्लड बैंक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का एक परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, पेडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, पीडियाट्रिक्स जो है किससे रिलेट करता है, कौन से स्टडी के लिए उस चीज का यूज किया जाता है, पीडियाट्रिक्स बोला जाता है, वो हो जाएगा करेक्ट आंसर शिशु के रोग को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। पीडियाट्रिक्स में शिशु रोग का अध्ययन को किया जाता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है दोस्तों, और विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है, इसे भी करवाया गया है, और विटामिन के की कमी से जो है रक्त में जनन क्षमता की कमी होती है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इससे भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, घाव का अध्ययन आपको बोला जाता है ट्रोमेटोलॉजी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सब लोग कमेंट कीजिएगा, घाव का अध्ययन को ट्रोमेटोलॉजी बोला जाता है, और ओन्कोलॉजी जो बोला जाता है ये कैंसर का अध्ययन के लिए बोला जाता है, तथा डर्मेटोलॉजी त्वचा के अध्ययन के लिए बोला जाता है, ये सभी पूछे जाते हैं कभी ना कभी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, चींटी के अध्ययन को क्या बोला जाता है, उसको सब लोग कमेंट कीजिएगा। पहले चींटी के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी बोला जाता है, क्या, मर्मिकोलॉजी, चींटी के अध्ययन को बोला जाता है मर्मिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित
होता है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होता है? उस फसल का नाम है आलू। कौन से? आलू। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आलू दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? हथेली में पाए जाने वाले हड्डी का क्या नाम है? सब लोग उन कीजिएगा। हथेली में पाए जाने वाले हड्डी को मेटा कॉर्पल्स कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होता है? यह होता है आर्कियोलॉजी विभाग में, कार्डियोलॉजी विभाग में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह का लक्षण नहीं है? वो है श्वास की कमी। ठीक है, ये कोई भी मधुमेह का लक्षण नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? ताप ज्वर को कम करने के लिए वो दवा यूज किया जाता है, उसका नाम है एंटीपायरेटिक्स। कौन सा दवा? एंटीपायरेटिक्स, एक ज्वर नाशक दवा है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? मकड़ी का श्वसन अंग बूक लंग्स बोला जाता है। ठीक है, बूक लंग्स, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मकड़ी और कीटो में धागे के समान जो होता है दोस्तों नलिकाएं, उसको बूक लंग्स बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से कौन सा भ्रूण पोषीय बीज नहीं है? निम्न में से कौन सा भ्रूण पोषीय बीज नहीं है? भ्रूण पोषीय बीज दोस्तों चना नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कुछ पौधों जैसे चना, सेम, मटर, ये सभी में भ्रूण कोष परिवर्तन पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाते हैं। इन बीजों में बीज पत्र में भोजन सिंचित के कारण ये मोटे होते, इसे अभ्रूण पोषी नन इंडो स्पर्मिक बीज भी बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, चना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन की बात हो रहा है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। किण्वन यानी फर्मेंटेशन की बात हो रहा है दोस्तों, फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन विटामिन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? वो है मेंडुला। ठीक है, मेंडुला ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, बैलमस तीनों मस्तिष्क के भाग है, परंतु मेंडुला अल्बोगेरा जिसे मेंडुला के नाम से जाना जाता है, यह पश्च मस्तिष्क का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? वो है आपका दमा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्लेग से के उपचार में किस दवाई का प्रयोग किया जाता है? प्लेग के उपचार में स्ट्रेटोमाइसिन का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। प्लेग एक छुआछूत की बीमारी है दोस्तों, जो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? विटामिन ई से संबंधित टोकोफेरॉल है। कौन सा? टोकोफेरॉल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? टोकोफेरॉल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 350 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? निम्न में से कौन सा बकरी का नस्ल नहीं है? मताओ, बिट्टल, बलूची। गोरी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मताओ, बिट्टल, बलूची बकरी का नस्ल है, गोरी नामक
नाम के बकरी का कोई भी नस्ल नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती है? आरबीसी की बात हो रहा है दोस्तों, वो शरीर के कौन से भाग में बनती है, वो है अस्थि मज्जा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अस्थि मज्जा। ठीक है, मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं जो होती है दोस्तों, चपटी गोल तथा दोनों प्रकार के बीच में दबी हुई होती है। ठीक है, इसकी जीवन काल जो होता है 100 से 120 दिन होता है, कंफ्यूज ना होइएगा। और लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, सही पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी है जो देख सकता है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो है आपका गिरगिट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, गिरगिरी, हाँ गिरगिट सरीसृप परिवार का एक कैमोलियोनरिडी का एक सदस्य है दोस्तों, जो कि गिरगिट पेड़ों पर रहने वाली छिपकलियों जो प्राय अपने शरीर के रंग बदलने की क्षमता रखता है। ठीक है, और गिरगिट एक समय में दोनों तरफ देख सकता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत ही फेमस एंड अच्छा क्वेश्चन है, मलेरिया से आपका पलिया यानी स्प्लीन जो है डैमेज करता है। मलेरिया एक प्रकार का संक्रमण रोग है दोस्तों, जो प्लाज्मोडियम के प्रोटोजोआ परजीवी के मध्य से फैलता है, माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, सर्वग्राही कौन सा समूह है? सर्वग्राही कौन सा समूह है, सब लोग कीजिएगा। सर्वग्राही की बात हो रहा है दोस्तों, कंफ्यूज ना होइएगा, वो होगा एबी। विटामिन कौन सा, एबी की बात हो रहा है, विश्लेषण जो है विटामिन की बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि की बात हो रहा है दोस्तों, तो वो अस्थि है उर्विका। कौन सा, ऑप्शन के अनुसार उर्विका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी हड्डी को जांघ में एक हड्डी फीमर है, उसी को बोला जाता है फीमर, यहाँ पे उर्विका लिखा हुआ है, फीमर इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? भोजन को चबाने वाले दांत जो होते हैं चवर्णक, उसको बोला जाता है, चबाने वाले को चवर्णक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है दोस्तों, ये है आपका पक्षियों से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑर्निथोलॉजी विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, और सिस्मोलॉजी में जो है भूकंप के अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, इससे भी आपको याद होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, रक्त के जमने यानी थक्का में कौन से विटामिन मदद करता है, हेल्प करता है रक्त को जमने में? रक्त को जमने में जो हेल्प करता है दोस्तों, उस विटामिन का नाम है विटामिन के, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। विटामिन के का रासायनिक नाम भी फिलोक्यूनान है, ठीक है, फिलोक्यूनान, यह रक्त स्राव विरोधी विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? एंटोमोलॉजी का संबंध कीट से है, किससे, कीट से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, और एरोबायोलॉजी उड़ने वाली जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और इथोलॉजी तो पता है कि जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है, आपका आंसर होना चाहिए तना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्रकंद है दोस्तों, जो कि यहाँ पे तने का एक रूप है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ट्रेकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? ट्रेकोमा द्वारा कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। ट्रेकोमा द्वारा आपका कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है, करेक्ट आंसर होगा आंख, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए कौन सी औषधि प्रयुक्त किया जाता है? उस औषधि का नाम है एंटीपायरेटिक्स बोला जाता है उसको, ठीक है, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर व दर्द बुखार उतारने के लिए किया जाता है, और कुछ महत्वपूर्ण एंटीपायरेटिक्स औषधि है दोस्तों, जिसमें एस्पिरिन है, क्रोसिन है,
पायरोमोडीन है, ये सभी जो है एंटीपायरेटिक्स औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित होता है, किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित होता है। करेक्ट आंसर होगा यकृत, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम के मध्य होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है कि खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है कि खोज करने वाला प्रथम कौन था, उसका नाम बताना है। उसका नाम है विलियम हार्वे, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य में रुधिर प्रसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जाता है। आई होप, आशा करता हूं कि इस सेशन से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। और जो सीरियस तरीका से गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। और डेली 8 PM में लाइव होता है दोस्तों, UP SSSC का क्लास है, तो डेली आप लोग हैबिट बनाइए, क्लासेस डेली अटेंड करें, ठीक है। और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह शेयर करें, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। क्लासेस का PDF के लिए studyindia.com वेबसाइट पर विजिट करें, वहां से क्लासेस का PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम पर ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।